एक कदम स्वच्छता की ओर, ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही देखने में भी अच्छा लगता है। इसको फुलवारी शरीफ के कुरकुरी स्थित माध्यमिक विद्यालय में अमल में लाया जा रहा है, जहां लड़के और लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाया गया है। साथ ही बच्चों के हाथ धोने के लिए नल के पास साबुन की व्यवस्था भी की गई है। इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्वच्छ भारत का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब हम आने वाली पीढ़ी को अभी से स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। अब लोगों के अंदर में विशेष रूप से जागरूकता आई और ये जागरूकता जो है बच्चों के माध्यम से अभिभावक गण तक गई और गांव तक भी जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे अगर अभी मध्याह्न भोजन भी करते हैं तो वो बिल्कुल हाथ धो के ही करते हैं। यदा कदा ऐसा होता है कि साबुन छोटा पड़ गया तो फिर वो प्रधान अध्यापक के कक्ष में भी आ जाते हैं और वो मांग करते हैं कि और साबुन दिया जाए सर। तो इससे ये पता चल रहा है कि काफी इसके प्रति की जागरूकता बढ़ी है। विद्यालय के चप्पे चप्पे में आपको सफाई नजर आएगी, चाहे वो क्लासरूम हो या खेल का मैदान। स्कूल में स्वच्छता के लिए अलग से कोना भी बनाया गया है, जहाँ सफाई के संबंध में कई तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं छात्रों को सफाई रखने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल में आया सर, इस स्कूल का हम अध्यक्ष हैं, तो स्कूल में भी देखते हैं कि हाँ बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे साफ सफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ भी देखते हैं कि सर यहाँ के हेडमास्टर सर हैं, वो सबको बताते हैं और लोग आते हैं, आगा खां हैं, पाटलिपुत्राए लोग हैं, ये भी आते हैं तो सारे बच्चों को समझाते हैं। हम लोग भी आते हैं तो बताते हैं कि हाँ बाबू अगर साफ सुथरा रहोगे तो ज़्यादा बेहतर है, आगे तुम लोग का भविष्य हो हम लोग का। अगर घर जाते हो तो बच्चे से ही आगे की ओर बढ़ता है, स्वच्छता हो या कुछ भी हो सर आगे बच्चे से ही बढ़ता है, भविष्य बच्चे ही रहते हैं। लोगों को बताना है कि मतलब स्वच्छ रहे, मतलब यहाँ वहाँ नहीं खुले में शौच करे, कचरा यहाँ वहाँ नहीं भीगे, जहाँ डस्टबिन है उसी में जाकर भीगे। स्कूल में मतलब ये जब प्रेयर होता है उसके बाद जब ये जो पूरा बरांडा में जितने कचरा होता है वो पहले मतलब पहले स्कूल खुलने से पहले ही दाई लोग जो बुआ लोग होती हैं वो लोग कर लेती हैं, फिर उसके बाद जो बचता है वो हम लोग बच्चे लोग मिलकर करते हैं। और फिर सबके क्लास में एक डस्टबिन होता है, जो पेंसिल का ये सब जो रहता है वो उसी में जाकर रख देते हैं। फुलवारी शरीफ का ये इकलौता स्कूल नहीं है जहाँ इस तरह की सफाई देखने को मिलेगी। आगा खां फाउंडेशन प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार करने के लिए स्कूलों में हर तरह के इंतजाम कर रही है। आगा खान फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि भारत की जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, उसी में हम लोग सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर कुरकुरी में हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं और हमारा जो अप्रोच है वो यही रहती है कि हम स्कूल को लंबे सत्र तक सपोर्ट देते हैं। तो वॉश प्रोग्राम जो है हमारा, जिसमें हम स्कूल को स्वास्थ्य के ऊपर और स्वच्छता के ऊपर सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें हमने स्कूल में आप जैसे देख सकते हैं पीछे फैसिलिटीज़ बनवाई हैं यहाँ पर प्रोग्राम की, जिसमें हम लोग डेफिनेटली इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों को बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेट सुविधा प्रोवाइड हो, हैंड वॉशिंग के लिए स्टेशन हो, पानी के पीने के लिए जल प्रोवाइड हो। उसके अलावा बच्चों तक वो मैसेज जाना चाहिए कि बच्चे जो हैं इसका प्रयोग उच्च तरीके से कैसे कर सकते हैं। सफाई को लेकर रोजाना स्कूल की तरफ से पूरे ब्लॉक में प्रभात फेरी निकाली जाती है, जिससे कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। इन बच्चों की तरह अगर हम भी सफाई के महत्व को समझ जाएं, तो प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत का सपना ऐसे ही साकार हो जाएगा। पटना से एजाज हुसैन की ग्राउंड रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना।